किसान भाइयों, ये मेरा एलोवेरा था 4 बीघे में, जो मैंने पिछले साल जून में ही लगाया था, लगभग 6-7 जून के आसपास लगाया था। और जब ये तैयार हुआ तो इसमें मेरे को कोई भी खरीदार नहीं मिला। जिसने मेरे को प्रॉमिस किया था उसने भी 2 महीने से वो कह रहा है अब लूँगा, कहा कि ईद आ गई है, अभी 1 महीना लगेगा। तो चूंकि मुझे इसमें अमरूद लगाना था और ये मुझे कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगा, तो मैंने आज इसको ट्रैक्टर बुला के, हालांकि ये कम से कम मेरा 40-45 हज़ार रुपये का एलोवेरा हो जाता, तो अब इसके लिए मैं अपनी फसल तो ख़राब नहीं करता, तो मैंने इसको ये बुहाई करवा दी ट्रैक्टर से, और अब मैं इसमें अमरूद लगाऊंगा का बाग लगाऊंगा इसमें, ये देखिए। तो किसान भाइयों, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आसपास जो है ना बेहट के इलाके में एलोवेरा होता है, और पतंजलि वाले भी नहीं लेते हैं, थोड़े बहुत एलोवेरा को वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े ट्रक आते हैं वहाँ से राजस्थान से। और जो एक मिस्टर मतलूब अहमद हैं जो इसकी खेती करते हैं वहाँ पर ये छुटमलपुर में, वो खेती करते हैं, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हम खरीद लेंगे आपका, उसी से पौधे लाए थे, पौधे भी उन्होंने बहुत अच्छे नहीं दिए थे, उनमें से लगभग 30% पौधे ख़राब थे। खैर, मैं 2 बार उनके पास गया, कुछ पौधे दोबारा मंगाए। तो इसमें ये हालत है, ये देखिए अब आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग एक एक पौधा कम से कम 5 किलो का पौधा मैंने जो हाथ में उठाया, कम से कम 5 किलो का पौधा है। तो इस प्रकार से मेरे इस खेत में जो बचे थे, बहुत अच्छा नहीं हुआ, मैंने काफ़ी निराई गुड़ाई कराई, तो जो पौधे होंगे कम से कम 4,000 पौधे कम से कम इसमें होंगे, और 4,000 को जो बचे हैं उनमें अगर आप 5 किलो से गुना करो तो लगभग 20,000 रुपये के होते हैं, और अगर 20,000 को 3 रुपये किलो भी बिकता है तो 60,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मेरी ज़मीन थी ये थोड़ी अच्छी पानी वाली ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी है, तो इसमें घास की बहुत समस्या आती थी। तो मेरा ये सुझाव है कि कोई भी आदमी जहाँ पर बिल्कुल रेतली ज़मीन हो वहाँ पर इसको लगाए, और इस प्रकार के झूठ बोलने वाले और ठगों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये मतलूब अहमद जो है ना बहुत ही मुझे तो बेईमान किस्म का आदमी लगा है और झूठ बोलने वाला है। अगर ये मुझे अप्रैल में ही ये कह देता कि जी हम जुलाई से पहले नहीं लेंगे या जून के अंत में लेंगे, तो मैं इसको बहुत पहले बुहा चुका होता। पहले कहा ईद के बाद लेंगे, अब कह रहा है जी 10-12 दिन की बच्चे छुट्टी करते हैं। तो इस प्रकार आप जब भी इस तरह की कोई फसल लगाएं, ये सुनिश्चित कर लें कि उसकी बिक्री कहां पर होगी। इसमें बस एक ही थोड़ी अच्छी बात हुई कि मैं धन्यवाद करता हूं जो DHO हैं अरुण कुमार जी, तो वो एक दिन मेरे फार्म पर आए थे और उन्होंने मुझे इस पर एलोवेरा पर सब्सिडी दी है, 7,500 रुपये के लगभग सब्सिडी आई थी मेरी। उसके अलावा इसमें मुझे नुकसान ही नुकसान हुआ। 3 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से मैंने 10,000 पौधे लिए थे, जिनमें से के ख़राब होते 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 मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 या 5 रुपये पौधे, बहुत बेकार दी थी इसने मेरे को, आधी बिल्कुल ठुंटल दी थी, जो अच्छे पौधे होने चाहिए थे। देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, कुछ पौधे मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक दूसरी तरफ लगाऊंगा, क्योंकि मैं इन्हें दवाई में इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए पौधा, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं, इस तरह के पौधे होने चाहिए। ये देखिए मैंने कुछ पौधे निकाल लिए हैं, करीब 40-50 के करीब, ये देखिए। और मैं आपको अब इसका साइज भी दिखा, देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं, कितना बड़ा पौधा। अगर आपको इसे हाथ से उठाकर दिखाऊंगा मैं आपको, तो मैंने सोचा चलो इसका खाद बन जाता है, क्योंकि 4 ट्रॉली अगर मैं खाद भी, देखे कितने अच्छे बेबी प्लांट निकले थे, इन सबको मैं प्रयोग करूँगा। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मैंने अभी इनका मैं कटवा कर रस बनवाऊँगा। ये देखिए, अगर आप इसको उठाते हैं इस पौधे को, ये देखिए कम से कम मेरे हिसाब से ये पौधा, देखिए ये कम से कम 5 किलो से कम नहीं है एक पौधा मेरे हिसाब से। देखिए ये मैंने रख लिए हैं थोड़े उसके लिए, और ये पौधे रखते हैं। तो किसान भाइयों, आपके साथ भी अगर कोई इस प्रकार की बात होती है तो एक दूसरे से साझा करें, ताकि आगे से हम इसमें कोई हमें झूठ बोलकर इस तरह की बात ना कर सके।
ध्यान रहे, ये है मिस्टर मतलूब अहमद जो छुटमलपुर में है और वहाँ के बागों में ये अपना, वहाँ की मिट्टी रेतली है, वहाँ पर ये एलोवेरा लगाते हैं। इनकी अपनी मशीन भी है जिससे रस निकाल कर ये बेचते हैं। एमए हर्बल के नाम से करते हैं। बहुत ही झूठे किस्म के आदमी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। और अगर आपको 10,000 पौधे कहेंगे तो उसमें से 7 या 8,000 देंगे। हमने भी गिने नहीं थे, लेकिन जब लगाने लगे तो पता चला। फिर मैं 2 बार इनके पास गया, मैं पौधे लाया, लेकिन वो पौधे भी बहुत बढ़िया नहीं थे, क्योंकि पता नहीं था पौधे इस तरह के होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह के पौधे होने चाहिए। ये बेबी बेबी प्लांट बोलते हैं, तो बेबी प्लांट, ये बेबी प्लांट होने चाहिए। और इन्होंने क्या किया, ये बड़े बड़े भी जो इनकी पत्ती काट लेते हैं वो जड़ें दे दी। तो इस प्रकार के झूठे और बेईमान लोगों से सावधान रहें और किसी झांसे में न आए। चलिए, मुझे तो नुकसान हुआ, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था कि देखते हैं भाई एलोवेरा से कैसे लखपति और करोड़पति मिलते हैं। आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई दे जाएंगी कि ऐसा लगाओगे तो ऐसा होगा, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी बुहाई करवा दी है, ये देखिए। एक और गांव है मेरे पास में, वहाँ पर भी सिवाय नवादे के पास में, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जी हमने भी ये बुहा दिया था, खरीदार नहीं मिलता। ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए आप अभी आपके सामने। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।